दोस्तों क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि क्या फर्क है मेक इन इंडिया में और मेड इन इंडिया में? दोस्तों मेक इन इंडिया एक FDI अभियान है जो कुछ साल पहले ही लॉन्च किया गया था, और मेड इन इंडिया कई सालों से देश की उन्नति में और देश की पहचान बनाने में काम कर रहा है। मेक इन इंडिया को 2014 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत देश में विदेशी निवेश के लिए उचित वातावरण बनाया गया था। इस अभियान से देश में आसानी से व्यापार करने की सभी व्यवस्था दी गई थी। आपको बता दें कि मेक इन इंडिया 25 व्यापारी सेक्टरों की तरफ ज्यादा ध्यान देता है, और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलती है। भारत में एप्पल, Xiaomi, GM, जनरल मोटर्स, सैमसंग एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज मेक इन इंडिया कंपनीज हैं। मेड इन इंडिया एक अलग ब्रांडिंग है जिससे भारत में उत्पादित प्रोडक्ट को एक अलग पहचान मिलती है। इस स्ट्रेटेजी के तहत काफी सारे ब्रांड्स हर तरफ से भारत में उपस्थित टेक्निक, वर्कर्स और जगह का इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से भारत में चीजें बना भी सकेगी और बेच भी सकेगी। भारत की अमूल, पार्ले, महिंद्रा एक्सेट्रा, ये सब कंपनीज मेड इन इंडिया कंपनीज है। मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर पर ज्यादा जोर देता है, जिसकी वजह से भारतीय चीजों की एक अलग पहचान बनती है। ऐसी कंपनीज से आने वाले मुनाफा भारत की उन्नति में ही यूज होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।